हे गाइस, दिस इज मनोज भंडारी। वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस स्पीक। और आज मैं जो प्रोग्राम लाया हूं आपके लिए वो है डाइट न्यूट्रिशन प्लान, हेल्दी न्यूट्रिशन प्लान। एक स्टूडेंट्स के लिए, एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्या हेल्दी डाइट्स खानी चाहिए, और जो स्पोर्ट्स खेलते हैं जो उनके लिए क्या खाना होना चाहिए। स्पोर्ट्स, कोई भी गेम हो, गेम खेलने के बाद या कोई वर्कआउट करते हैं या कोई भी फिटनेस एक्टिविटी करते हैं उसके बाद क्या डाइट लेनी चाहिए उनको, और स्कूल में क्या खाना चाहिए कॉलेज या कॉलेज में, वो आपको मैं आज पूरे दिन प्रॉपर ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, बिफोर बेड, पूरा मील प्लान मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो आप इसको देखो कैसे मैं बनाता हूँ इन चीज़ों को। लेट्स स्टार्ट। सो पहली मील है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमें ऐसा करना है कि जो हमें पूरे दिन भर, मतलब 3-4 घंटे तक, मतलब थोड़ा सा स्टमक को फुल करके रखे, और अच्छे कार्बोहाइड्रेट जिसमें होने चाहिए, अच्छे फैट्स होने चाहिए और अच्छी प्रोटीन की क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगा ओट्स, और मैं जो ओट्स यूज करता हूँ ये क्विकर के रोल ओट्स आते हैं, ये बेस्ट हैं। ये इनमें ज़्यादा इंसुलिन नहीं होता है और डाइजेस्टिंग के लिए भी अच्छे रहते हैं, अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ये मैं यूज़ करूँगा 50 ग्राम। मेरे पास यहाँ पर वेइंग मशीन है, पहले मैं इस बाउल का वेट देख लूंगा कितना है। 264 आ रहा है, उसके बाद मैं इसको माइनस कर दूंगा और मैं 50 ग्राम यूज करूंगा ओट्स। ये अराउंड 50 ग्राम है। ओट्स बनाने का, जो ओट्स ज़्यादा टाइम नहीं लगते बनाने में, थोड़ा ही टाइम लगता है इसको बनने में, और इजी है बनाना, कोई ज़्यादा वैसे नहीं। लोग कहते हैं कैसे ओट्स बनाए जाते हैं, कैसे क्या है। मेरे पास ये 200 ml मिल्क है, और ये मदर डेयरी का डबल टोन मिल्क है। जो मिल्क है फैट नहीं है इसमें ज़्यादा, इसमें सिर्फ कैल्शियम और प्रोटीन अच्छा है। पहले मैंने इसमें मिल्क डाल दिया, थोड़ा सा मैं इसमें पानी मिलाऊंगा थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसमें ओट्स डाल दूंगा। ये 2-3 मिनट में पक जाते हैं ओट्स, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। थोड़ा सा सोप हो जाएंगे अच्छी तरह से। ब्रेकफास्ट आपका हमेशा हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि जब आप रात को सोते हैं तो आप 9 बजे या 10 बजे जब भी सोते हैं उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं, तो स्टमक पूरी तरह से एम्प्टी रहता है। तो कई लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते ही पहले चाय पीने लग जाते हैं, और ऐसे चाय पीना अच्छा नहीं है मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। कुछ लोगों को फिर तकलीफ होने लग जाती है। तो सबसे पहले रात भर के हम जब खाली पेट सोए हुए हैं तो पहले कुछ खा लेना चाहिए, अच्छा कार्ब, अच्छा फैट, अच्छा प्रोटीन। तो आपको भी ऐसे ही अपने आप को प्रिपेयर करना है हर चीज़ें, स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए। पहले ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है सबके लिए, ब्रेकफास्ट कभी मिस नहीं होना चाहिए। बस ये पकने ही वाले हैं अब थोड़ी देर में।
ओट्स पक चुके हैं पूरी तरह से, इसको आप 2-3 मिनट तक इसको रख सकते हैं ऐसे ही। तब तक मैं कुछ इसमें जो और चीज डालनी है, इसके साथ और इसके साथ होने चाहिए आपके पास 10 बादाम, जो हमारे लिए गुड फैट्स का काम करेंगे। 10 बादाम, ये 10 बादाम है इसके साथ। और एक इसमें बनाना होना चाहिए, और इसके साथ 2 whole eggs आएंगे इसमें। ये 2 whole eggs इसके साथ खाने हैं प्रोटीन और फैट्स के लिए। एग्स में बहुत एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और गुड फैट्स भी होता है इसमें, जो मसल बिल्डिंग के लिए हमें काम देते हैं। ये एक बनाना मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके साथ मैं ये जो 10 बादाम है इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगा। और इसके साथ ये पीनट बटर है, पीनट बटर ये है डिसानो का है, ये नॉन जीएमओ है और 0 ट्रांसफैट है इसमें और अनस्वीटेड है, ये नेचुरल पीनट बटर है, ठीक है ना, ये अनस्वीटेड है। तो आपको भी ये यूज करना है, इसका भी 1 चम्मच इसमें मैं मिक्स कर दूंगा। ये पीनट बटर बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है, इसको थोड़ा सा चाट लेता हूँ। और इसके साथ मैं मिलाऊंगा हनी है, ये हनी 10 ग्राम हनी इसके साथ मैं मिलाऊंगा, ताकि आप क्योंकि थोड़ा टेस्ट के लिए बस। और लास्ट में मैं डालूंगा सिनेमन पाउडर, ये फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा होता है और ये ब्लड शुगर को भी स्पाइक नहीं होने देता है। ये बन गया हमारा ब्रेकफास्ट मील, जिसमें है बनाना, आलमंड्स, बादाम और पीनट बटर, मिल्क और ओट्स। और इसके साथ मैं दूंगा आपको 2 बॉइल्ड एग। तो ये आपका प्रॉपर मील हो गया आपका, जो कि आप जब स्कूल या कॉलेज जाते हैं उससे पहले आप ले सकते हैं, और 3-3.5 घंटे तक आपको भूखी नहीं लगेगी, क्योंकि आप वर्कआउट भी कर रहे होंगे, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होंगे, कुछ भी एक्टिविटी अगर फिटनेस में कर रहे होंगे। तो बहुत ज़रूरी है हमें खाना, जब तक खाएंगे नहीं तब तक मसल बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये मसल बिल्डिंग डाइट है सारी, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे 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 आपको मसल बिल्डिंग डाइट लेनी है। तो ये ब्रेकफास्ट है, इसके बाद मैं आपको लंच बताऊंगा कैसे करना है लंच, तो लंच के लिए इंतजार करते हैं। और अब जब आप स्कूल या कॉलेज चले जाते हैं तो आप स्नैक्स क्या खाएंगे, क्योंकि वहां भी भूख लगेगी आपको 3-3.5 घंटे में। तो आपके लिए मैं ये लाया हूं स्नैक्स, ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स है मेरे पास है। ये रोस्टेड चने, ये 50-60 ग्राम रोस्टेड चने हैं, और इसके साथ है ये पीनट्स, ये कच्ची मूंगफली है, पीनट्स अनसॉल्टेड है, इसमें नमक नहीं है, सॉल्ट नहीं यूज़ करना है आपको, और ये है 50 ग्राम अराउंड। तो ये दोनों आप क्या कर सकते हो, स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी ले जा सकते हो और कहीं भी बैठ के खा सकते हो।
ये प्रॉपर एक मील है विद फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फुल ऑफ फाइबर्स और प्रोटीन, गुड फैट्स। तो ये मेरा स्नैक्स मील पैक हो गया है। ये आप बिल्कुल छोटे से बॉक्स में ले जा रहे हो, देखने में छोटा है लेकिन ये प्रॉपर मील है एक, ठीक है। तो ये स्नैक्स हो गया। और अब मैं आपको बताता हूँ लंच के बारे में। लंच मील मैंने प्रिपेयर कर रखी है आपके लिए, तो आपको कैसे कैसे क्वांटिटी में लेना है। ये राइस है, 200 ग्राम राइस है, कुक्ड राइस, ठीक है, जो घर में नॉर्मल बनते हैं, 200 ग्राम है ये। और इसके साथ सैलेड है, थोड़ा सा सैलेड आपको ज़रूर लेना है, ये मिनरल्स और वाइटामिन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ मैं लूंगा ये हरी वाली दाल है, ये मूंग दाल, ये अराउंड एक एक बॉल लेना आपको, 50 ग्राम है ये कच्ची वाली, 50 ग्राम पानी में भिगा के उसके बाद बना सकते हो आप। तो ये इसके साथ ये दाल हो गई आपकी 50 ग्राम, और ये हैं आपके 6 एग व्हाइट्स, क्योंकि प्रोटीन भी हमको ज़रूरी चाहिए इसके साथ मील के साथ, ठीक है। तो 6 एग व्हाइट्स हैं ये प्रोटीन, ये आपको ज़रूरी लेने। अगर आप एग्स नहीं खाते हो, एग वाइट्स नहीं खाते हो, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है सोया चंक्स। सोया चंक्स है ये 50 ग्राम है, ठीक है, इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ओनली प्रोटीन होता है इसमें, 50 ग्राम है ये ड्राई वाले। तो इसको आप पानी में भिगा के और या बॉयल करके इसको बना सकते हो इसकी सब्जी। तो ये मील आपकी लंच हो गई प्रॉपर, तो ये आपको लंच में लेना है, ठीक है ना। तो मैं अब आपको इवनिंग स्नैक्स में ले चलूंगा कि स्नैक्स में क्या खाना है इवनिंग स्नैक्स में। सो लेट्स गो। इवनिंग स्नैक्स मैंने दो बनाए हुए हैं आपके लिए, क्योंकि कुछ क्या करते हैं, कुछ खेलते भी हैं, कोई कोई भी गेम खेलते हैं, कुछ जिम जाते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, कोई भी फिटनेस एक्टिविटी करते हैं। और इवनिंग टाइम में जाने से पहले आपको, जैसे लंच तो आपका हो गया 2 बजे करीब, आप 4 साढ़े 4 बजे जा रहे हैं, तो आपको एक मील खा के जानी है जो जो खेलते हैं उनके लिए। तो उनके लिए क्या है, ये 4 स्लाइस ब्राउन ब्रेड है, ठीक है, आप ये ले सकते हो, 4 स्लाइस हैं इसके ब्राउन ब्रेड के। आपको पीनट बटर लेना है, ये 30 ग्राम लेना है आप पीनट बटर इसका, आप स्लाइस में लगा के उसको खा सकते हो प्रॉपर। और उसके बाद आपको जिम या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए उसके बाद ही आपको जाना है, खा के जाना है आपको, आधा घंटे पहले, आधा पौन घंटे पहले, 45 मिनट्स पहले, ठीक है। और उसके बाद जब आप कोई भी एक्टिविटी करके आओगे, या आप अपना वर्कआउट करके आ रहे हो, या अपना कोई खेल के आ रहे हो, फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो चाहे बास्केटबॉल हो, कुछ भी चीज है, उसके बाद आपके लिए ये है 200 ग्राम पोटैटो है, 200 ग्राम बॉइल्ड पोटैटो, ठीक है, 200 ग्राम की क्वांटिटी है। और इसके साथ 6 एग व्हाइट्स, ये 6 अंडों का व्हाइट है सिर्फ प्रोटीन के लिए, ठीक है, क्योंकि जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं या खेलते हैं, उसके बाद हमें प्रोटीन की जरूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि हमारे मसल ब्रेक डाउन होते हैं, टायर्डनेस होती है, तो हमें इंसुलिन चाहिए होता है, हमें कार्ब चाहिए होता है। अच्छा, और उसके साथ एग वाइट्स जो हमारे एसेंशियल अमीनो का काम करेंगे मसल बिल्डिंग के लिए, तो ये बहुत जरूरी है। और ये दोनों मील आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आप मॉर्निंग में खेल रहे हो चाहे इवनिंग में खेल रहे हो, डाइट अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करना, ये स्नैक्स वाली मील है जो, ठीक है। ये हो गए आपके स्नैक्स, अब मैं आपको बताता हूँ डिनर में क्या लेना है आपको। ये डिनर मील है आपकी, और ये आप लेंगे इवनिंग टाइम में, रात के टाइम पे, जब भी आप 7:30 8 साढ़े 8 बजे जब भी डिनर करते हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए एक बॉल दाल है, होल मूंग दाल है, और ये 50 to 60 ग्राम है ये, ठीक है, ये हो गई दाल आपकी। और इसके साथ आपको लेनी है 3 रोटी, 3 चपाती, ठीक है, 3 या 4 जो भी आपकी, वैसे 3, और थोड़ा सा उसके साथ सैलेड लेना है आपको। और इसके साथ आप ऐड करेंगे प्रोटीन के लिए, वैसे तो दाल में भी प्रोटीन होता है, बट इतना प्रोटीन ही ज़्यादा नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, हमें और भी प्रोटीन चाहिए होता है मसल बिल्डिंग में, ठीक है, स्पेशली। ये आप लेंगे 150 ग्राम पनीर, ठीक
ठीक है, ये मैंने कच्चा काट के रखा है, आप इसमें दाल में भी ऐड कर सकते हैं, इसको ऐसे भी खा सकते हो। तो ये 150 ग्राम पनीर आपको लेना है ये, ठीक है ना। तो ये आपकी डिनर मील हो गई, ये प्रॉपर मील है एक, और इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना ले सकते हो जैसे आपको लेना है। तो ये हमारी डिनर लास्ट मील थी, इसके बाद एक और मील होगी जो बिफोर बेड होगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सो ओके, लास्ट, ये लास्ट मील है आपकी, मील तो नहीं कह सकते इसको, मतलब प्रॉपर मील नहीं है, बट जब भी हम रात को सोते हैं तो हमें प्रॉपर प्रोटीन भी चाहिए होता है, हमें फैट की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं गुड फैट्स की जरूरत पड़ती है, और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं पड़ती है, कार्ब नहीं चाहिए हमें सोने से पहले, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, बॉडी सो रही है उस टाइम। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये मिल्क का, ये 250 to 300 ml मिल्क का, ये मैं डबल टोन मिल्क की सजेस्ट करूंगा आपको, और ये आप ले सकते हो सोने से पहले, और उसके 15-20 मिनट, आधा घंटे बाद जब भी आपको, आप सो सकते हो। सो गाइज, ये आज का जो आपके लिए जो मील प्लान था, मैंने जो डिजाइन किया था आपको बता दिया है, तो आप इसको फॉलो करो, और ये कोई ज्यादा एक्सपेंसिव मील प्लान नहीं है, लो बजट डाइट प्लान है, अपने अकॉर्डिंग आप खा सकते हो, बट आपको खाना पड़ेगा, अगर मसल बिल्ड करना है तो खाना पड़ेगा। कोई भी एक्टिविटी करते हो, स्पोर्ट्स की या जिम करते हो या कोई भी फिटनेस एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको खाना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही इजी चीज है जो आप कर सकते हो अपने लिए, ऐसे ही आपकी बॉडी भी बनेगी, ऐसे ही आपकी कोई भी एक्टिविटी में जो आपका है वो अच्छा सुधार आएगा उसके लिए। सो गाइज, ये थी आज का मील प्लान। सो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और आपको जो कमेंट करना है, आपको नेक्स्ट क्या चाहिए मील प्लान, शेडेड होने के लिए चाहिए या गेन के लिए चाहिए, मैं आपके लिए ये डिजाइन कर लूंगा। सो ओके, स्टे ट्यून, थैंक यू।